हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्ता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सूजी की खीर की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने लिया है फुल क्रीम दूध, ये हमने 3 लीटर दूध लिया है। और अब हम इसको दूध को इतना पकाएंगे कि इसका 1 लीटर दूध जो है ड्राई हो जाए। और अब हम इसको इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। ये हमने लिया है फ्राई पैन और हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। ये हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने लिए हैं 1 मुट्ठी बादाम और 1 मुट्ठी काजू, जो हमने इनमें जो ये पीस हैं इनके 2 कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। काजू बादाम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये हमने लिया है 1 कप सूजी, ये हम 2 किलो दूध के हिसाब से बना रहे हैं। अब हम इसको इस तरह से छान लेते हैं। सूजी में डालेंगे 1 चम्मच घी और अब हम सूजी को अच्छे से भून लेते हैं। सूजी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। और ये देखिए गाइस, कल सूजी का कलर चेंज हो चुका है, सूजी भुन चुकी है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। सूजी जो हमने भून कर रखी थी, ये हमने इसको ठंडी कर ली है, क्योंकि हमें सूजी को ठंडा ही करना है। अगर हम गर्म दूध में गर्म सूजी डाल देते हैं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर दूध और अब हम इसको घोल लेते हैं इस तरह से। अगर हम इस तरह से दूध में सूजी घोल कर डालते हैं तो इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से सूजी हमने इस तरह से मिक्स कर दी है दूध के साथ में, क्योंकि इसमें फिर दूध में जो हम इसको डालेंगे तो लम्स नहीं बनेंगे। सूजी को अच्छे से दूध के साथ में मिक्स कर दिया है। अब हम दूध को देख लेते हैं। दूध को हमने 50% ड्राई कर लिया है। ये देखिए गाइस, कितने अच्छे से गोल्डन कलर हो चुका है दूध का और रबड़ीदार दूध हो चुका है। हमें इसमें कोई कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें दूध को इस तरह से ही पका लेना है। अगर हमने इसको 2 केजी लिया है तो हमें 1 केजी रख लेना है, तभी खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसको इस तरह से चलाते हुए इसमें सूजी डाल लेते हैं। हमें इसमें सूजी को इस तरह से चलाते हुए ही डालनी है, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं। ये हमने लिए हैं 10 से 12 छुहारे, जो हमने इनको इस तरह से बारीक कट कर लिया है। हमने इनको अच्छे से धोना है, धोकर कट कर लेना है। और ये हमने लिया है 1 नारियल का टुकड़ा, जो कि नारियल होता है छोटा, उसका हमने आधा टुकड़ा लिया है। हमने इसको मिक्सी के जार में छोटे छोटे टुकड़े डालकर इसका इस तरह से बारूदा बना लिया है। अब हम ये इसमें डाल देते हैं। ये हमने लिए हैं काजू और बादाम, जो हमने इनको फ्राई किया था, अब हम ये भी इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। खीर अच्छे से पक चुकी है और हम इसमें डाल देते हैं 3 से 4 इलायची के दाने निकाल कर, ये हमने इनको कूट लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 कप चीनी, आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, खीर बनकर रेडी हो चुकी है और कितनी टेस्टी और दानेदार रबड़ीदार खीर बनी है। आप इस तरह से बनाएं और खाएं, बहुत ही जल्दी से बहुत ही झटपट खीर बन जाती है, ना चावल धोने का झंझट है और ना पीसने का। और ये देखिए कितने अच्छे से दानेदार खीर बनकर रेडी हुई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसको सर्व कर देते हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और बना सकते हैं, जो आपके पास नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने डाले हैं कुछ सैफ्रोन के धागे। खीर बनकर रेडी हो चुकी है और ये देखिए कितने अच्छे से कितनी टेस्टी खीर बनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।